नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बलिया में पूर्वांचल बैंक के कैशियर के यहाँ लक्ष्मी पूजा। जी हाँ, नवानगर बलिया सिकंदरपुर थाना अंतर्गत थाना क्षेत्र भड़ीकड़ा गांव में पूर्वांचल बैंक के कैशियर सुप्रीम यादव के आवास पर लक्ष्मी पूजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम प्रधान संजय राम ने पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि लक्ष्मी पूजा करने से बुद्धि, विकास और घर में सुख शांति व धन की प्राप्ति होती है। इस दौरान सुरेंद्र नाथ पांडे, नंदिनी यादव, मोहिनी यादव आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय की एक रिपोर्ट। ग्राम सभा में आए हुए हैं और यहाँ पे महोत्सव, चूँकि खुशी का माहौल है, सभी ग्रामीण क्षेत्र, चूँकि प्रधान भी हैं जो कि ब्राह्मण देवता भी हैं, और सबसे मिलते हैं और देखते हैं कि ब्राह्मण देवता इस बारे में क्या बताएंगे, क्यों दीपावली मनाई जाती है और मनाने का तात्पर्य क्या है और क्यों मनाया जाता है, क्यों खुशियों से लोग मनाते हैं, इसका राज क्या है और दीपावली के दिन आज क्यों लक्ष्मी जी का पूजा क्यों किया जाता है। तो सर, अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र मिश्र है। मैं चकबलदेव गाँव का निवासी हूँ और ये चकिया ग्राम सभा मेरे ही में ही आती है। यहाँ पर यादव लोग बड़े धार्मिक विचार और प्रगति वाले हैं और पूजा पाठ और लक्ष्मी जी का पूजन समारोह यहाँ चल ही रहा है। और यह राम जब वहाँ से लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए तो पूरे घर में दीप जलाया गया और स्वागत सम्मान किया गया। जहाँ तक हमारा विवेक, ये देख लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरे भारत में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। जी जी, पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे हिंदुस्तान। तो लक्ष्मी जी का पूजा क्यों, किस विशेष स्तरों में क्यों मनाया जाता है, हमको थोड़ा सा विस्तार से क्यों मनाया जाता है। तो विस्तार से कहने का समय तो नहीं है, लेकिन ये संक्षेप में करिए, संक्षेप में पांच दो तीन लाइन में समाप्त कर दें। हाँ, जी। अभी अभी हम लोग आरती पढ़े हैं जिसमें बोलते हैं, अभी लिखा हुआ आरती में कि जिस घर में लक्ष्मी रहती है विवाद नहीं होता, सब सुखी और सम्पन्न लोग रहते हैं। हमारा ये सनातन धर्म का, अध्यात्मवाद का हमारा जहाँ तक अंदाज और अनुभव है कि सर्वदोष हरे लक्ष्मी, लक्ष्मी ही ऐसी है कि सारे दोष का हरण कर देती। इस पूजे में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, थोड़ा बताएंगे? वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला ही पूजा चलाया जाएगा। तो अब इसमें नहीं, ये जो आधुनिक ये गाना निकल चुका है भोजपुरी, ये सब नहीं चलेगा। प्रार्थना है, निवेदन है, अनुनय है, विनय है, अर्चना है, सब लोग करते रहे। चलिए सर, अपना परिचय बताएं। जी, इतने कार्यक्रम जो चल रहा है आपके दरवाजे पे सर, ये आज का तात्पर्य क्या है, जो कि आज लक्ष्मी पूजन समारोह है, पूरे दीपावली पूरे देश में मनाई जा रही है, तो आज खुश विशेष चीज़ जो बताइए, जो कि आज सिकंदरपुर भणिकड़ा ग्राम सभा में जो पूरे देश प्रदेश पर लोग देख रहे हैं, देखेंगे भी कि कैसे मना रहे हैं आप। सदियों से मनाए चले आ रहे हैं कि नए पे दो तीन सालों से आप कर रहे हैं, थोड़ा इसको भी मनाया जा रहा है, ये मूर्तियाँ रख के साल दो सौ से मनाया जा रहा है। जी जी, तो इसमें और कोई कार्यक्रम और क्रम, जैसे कि दूर दूर से भी लोग देखने आते हैं या गांव मोहल्ले के लोग भी आते हैं? गांव मोहल्ले के लोग आते हैं। कार्यक्रम कब तक चलाया जाएगा? कार्यक्रम इसका समापन, जी समापन परसों होगा। इसका समापन विसर्जन भी आप लोग करते हैं? हाँ, विसर्जन भी करते हैं। तो गंगा जी या सब्जी जो कहाँ करते हैं? गंगा सब्जी घाट पर करते हैं। तो आज के दिन आप कुछ क्षेत्रवासियों और जो चूंकि जनपदवासियों से आप कुछ कहना चाहेंगे अपने माध्यम से जो कार्यक्रम चला है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, इससे क्या असर पड़ेगा समाज पे, क्या बताना चाहेंगे आप? यही कि पूजा को बरकरार रखें, पूजा करते रहें लोग, ये पूजा से मतलब। बिहार में एक लड़की की हत्या में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जी हाँ, बिहार के पोखरा एवं देवरिया गांव के मुखिया सहित कुछ अन्य लोग महाराजगंज थाना प्रभारी अनिल कुमार मिश्रा को सूचना दिए कि पोखरा ग्राम के एक लड़की की शादी ग्राम देवरिया के रतन कुमार से 2014 में हुई थी। उन लोगों में से लड़की के भाई ने बताया कि रोज रतन शराब पीकर उसकी बहन अर्थात अपनी पत्नी को पीटता था। उसने बताया कि रात 12 बजे रतन का फोन आया कि वह अपनी पत्नी को गोरखपुर इलाज के लिए ले जा रहा है। फिर 2:30 बजे कुछ अज्ञात व्यक्ति पोखरा इनके घर पर आकर बताए कि लड़की मर गई है। यह सूचना मिलते ही लड़की के माता पिता व भाई देवरिया रतन के घर पर पहुंचे, पर वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने रतन के पास फोन भी किया, वो उसने फोन भी नहीं उठाया।
बाराबंकी में 6676 वर्ष पुराने पेड़ की कथा। जी हाँ, बाराबंकी तहसील सिरौली गोसपुर थाना सफदरगंज के ग्राम पंचायत बरुइया स्थित परिजात का पेड़ है। इस पर वहाँ के महंत का कहना है कि यह पेड़ 6676 वर्ष पुराना है। ये पेड़ महाभारत के जमाने का है। इस पेड़ को माता कुंती के द्वारा पूजा किया जाता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाबा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब यहाँ वन विभाग के अधिकारियों द्वारा साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए यहाँ दिन प्रतिदिन इसकी हालत खराब होती जा रही है। बाराबंकी से हमारे संवाददाता धनराज यादव की एक रिपोर्ट। के जो ग्राउंड है, जो यहाँ पर पर्यटक स्थल है, यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हैं, जो परेशानियों को लेकर आप दूसरे बाबा से मुलाकात हुई है। बाबा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राम सेवादास, यही पारजात के रहने वाले जी। और जो यहाँ की व्यवस्था बहुत जर्जर है जी, जो जल व्यवस्था की गई वो सही नहीं है व्यवस्था जी, और रंगाई पताई के लिए मतलब कोई सही व्यवस्था नहीं हो पाई है जी। काफी पैसा सुना, क्या सरकार से पैसा नहीं आता है? आपको क्या सुनने में कभी मिला कि सरकार पैसा देती है? ये तो सुना, सरकार से पैसा आया है, मगर यहाँ कार्य कुछ नहीं हो पाया। कार्य कुछ नहीं हुआ है, यानी जो ये साफ सफाई का माहौल नहीं यहाँ दिख रहा है, ये दिखना चाहिए। हाँ, कोई साफ सफाई, कोई माहौल सही नहीं है। तो यहाँ के महंत लोग भी तो इसका साफ सफाई करने के लिए आप लोग हैं, तो थोड़ा साफ सफाई कर सकते हैं ना? महंत लोग अपने आश्रम सफाई करें, सरकार के पास समय है और पूरा गार्डन का साफ कर पाए। गार्डन तो किसी को तो यहाँ पर कोई आदमी तो रहता होगा जो साफ सफाई करने के लिए, जो यहाँ पर बैठने का स्थान है, लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं, बैठने में परेशानी काफी का सामना करना पड़ता है, या साफ सफाई हो जानी चाहिए ना उस पर जी। यहाँ साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई सफाई कर्मी है, ना कोई विभाग वाले ध्यान दिया था भाई, कोई वन विभाग का भी कर्मचारी यहाँ पर कोई आदमी नहीं लगा करके, या 8 दिन या हफ्ते भर में कोई साफ सफाई का माहौल, कोई सफाई नहीं होती है, किसी दिन नहीं होती, कोई साफ सफाई नहीं होती है। तो हमारे बाबा जी का कहना है, आपको क्या नाम बताया आपने? राम सेवादास जी ने बताया कि यहाँ पर जो साफ सफाई का माहौल जो है बिल्कुल लाचार है, और सरकार वन विभाग कर्मचारी अधिकारी कोई भी ऐसा सच नहीं है जो यहाँ की साफ सफाई को देख सके, जो पर्यटक स्थान है, जो ये बहुत बड़ा एक स्थान है, जो पारिजात जो महाभारत के जमाने से इस पेड़ को माना जाता है, तो यहाँ पर साफ सफाई का माहौल ना होने के कारण बाबा जी इससे दुख प्रकट करते हैं। और इनका कहना है कि साफ सफाई, यदि मेरी बात उन लोगों तक पहुँचती है तो वो लोग साफ सफाई करने के लिए इसका जरूर इंतजाम कराएं, तो या तो सरकार या वन विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर रखा जाए, नहीं तो ये धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। अब यहाँ ले लेते हैं छोटा सा विराम। समस्त छात्रों को दीपावली के हार्दिक अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ, और समस्त देशवासियों को भी दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी तरफ से हॉस्पिटल में समस्त सेवाएं दीपावली के अवसर पर चलती रहेंगी, इमरजेंसी 24 घंटे चलती रहेगी। धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान जोगिन पाल सिंह, ग्राम बघियार, समस्त देशवासियों व जनपद अलीगढ़ वासियों व समस्त क्षेत्रीय जनता को दीपावली भैया दौज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा टायर किसान ऑटो टायर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की शुभकामनाएं, और आज इसी न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारियों और सभी कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं राहुल सिंह, ग्राम प्रधान नबला सरताज, देशवासियों व जनपद वासियों को भैया दौज व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं संजीव कुमार काका,
चेयरमैन नगर पंचायत विजयगढ़, सभी देशवासियों, जनपदवासियों एवं नगर पंचायत विजयगढ़ वासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दौज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वासी, थाना क्षेत्र वासी, अलीगढ़ निवासी, भारत देश के निवासियों को आज धनतेरस, कल छोटी दीपावली और आगामी दीपावली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, देश में सद्भावना बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी दिवाली जी, मैं गुरलाल सिंह बरोला, वासी जीरा, पंजाब, ब्यूरो फास्ट न्यूज चैनल इंडिया वालों सारे पंजाब अते भारत वासियां नूं दिलों दिवाली दियां बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा हां। यह दिवाली बड़े प्यार ते उत्साह नाल मनाई जावे जी, अते जो कि प्रदूषण रहित होवे, सारयां लई खुशहाली लैके आवे। ते नाल ही मैं गल करदा फास्ट न्यूज चैनल दी, इस विच मैंबर रिपोर्टर ब्यूरो बनो ताकि समाज नूं भ्रिष्टाचार तों रहित बनाया जा सके। इस तों अलावा मैं आदर्श क्रैडिट कोऑपरेटिव सोसायटी विच एमई लेवल ते काम कर रहा हां। यह सोसायटी इंडिया दी सब तो वड्डी कोऑपरेटिव सोसायटी है, यह पूरे 29 राज्यां विच ही काम कर रही है ते बैंकां तों वी अगे वध के काम कर रही है। इसका सेविंग खाते का ब्याज 6.75% है, 3 महीने तो लैके 10 साल दियां एफडीआं नूं ते होर भी स्कीमां हन, इसका ब्याज भी बैंकां तों ज्यादा है। समय समय ते तुहानूं लोन दी सुविधा भी है, इसके शेयर भी मिलते हैं जिसका डिविडेंट अज तक 15% तो कदे नहीं कटिया है। सो पैसे की बचत भी जरूरी है ताकि भविष्य में पैसा काम आ सके। ते नाल ही मैं फिर दोबारा सारयां नूं दिवाली दियां बहुत बहुत मुबारकां दिंदा हां। हैप्पी दिवाली। विराम के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आजमगढ़ में दिवाली की धूम। जी हां, आजमगढ़ के देवगांव में दीपावली के अवसर पर बहुत धूमधाम से लोगों ने दीपावली मनाई। इस अवसर पर महेंद्र कुमार, अशोक प्रजापति आदि ने दीपावली पर जनता को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। आजमगढ़ के देवगांव में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया गया। यहां का कार्यक्रम शांतिपूर्वक से हो गया जिसमें प्रशासन का भी काफी सहयोग रहा। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।